अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एशियन ट्रेड टीवी का मकसद और ख्वाबों से तबीयत तक के इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। हमने हमेशा ही आपके साथ ऐसे ऐसे स्टार्स को, ऐसे ऐसे अपनी अपनी इंडस्ट्री में रहते हुए जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम और काम किया है उनको मिलवाया है, ताकि आपको पता चल सके उनके सक्सेस स्टोरीज का, आपको पाकिस्तान के उस सॉफ्ट इमेज का पता चल सके जिसके लिए हम लोग दिनों रात इसी कोशिश में रहते हैं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 138 एपिसोड होने जा रही है, और हमेशा की तरह आज भी जो मेरे साथ एक जो गेस्ट पर्सनैलिटी है, बहुत ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, उनका जब मैं नाम दूंगा और उनका तारीफ कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अगर हम लाहौर की, पंजाब की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, और मार्केटिंग के हवाले से बात करें, एग्जीक्यूशन के हवाले से बात करें, तो हमारे पास बहुत सारे नेम हैं, लेकिन उनमें से एक नाम अगर मैं शॉर्टलिस्ट करूं तो मेरे सामने एक नाम आता है, मेरे दोस्तों में से हैं। उनके क्रेडिट्स में बहुत सारे काम हैं। अगर हम न्यू लाहौर सिटी की बात करें, न्यू लाहौर सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा ख्वाब है नए लाहौर वालों के लिए। अगर आज न्यू लाहौर सिटी किसी जगह पर है और उसमें बहुत ज़्यादा उस मुकाम तक लाने में उस किसी ऐसे शख्स की काविश है, तो वो एक है जी हाँ, ख्वाजा मुबशर हसन साहब। वीलिंग्स मार्केटिंग का नाम आपको पता होगा, बहुत फेमस नाम है इस हवाले से। उनकी एक कंपनी है जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जेविस करती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स को ऑन बोर्ड करती हैं, और वही वाली बात कि उनका काम शायद उनके कद से बहुत ज़्यादा हो। आज की मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में मेरे साथ मौजूद रहेंगे ख्वाजा मुबशर साहब। हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी फतोहार, उनके काम को। जी वेलकम टू माय शो ख्वाजा मुबशर साहब, ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में आपको वार्मली वेलकम, और पावर्ड बाय मॉडल स्ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज। ख्वाजा साहब, बड़ा लंबा सफ़र था, बड़ी लंबी कहानी है, और अगर इसको मैं थोड़े से शॉर्ट वर्ड्स में लाऊँ तो ख्वाजा साहब आप खुद ही बता दीजिए, ये सफ़र, ख्वाबों का सफ़र, ये जिस जगह पर आज हम बैठे हैं न्यू लाहौर सिटी में, बिफोर 8 ईयर, जब मैं 8 साल पहले 9 साल पहले आप इस जगह पर आया था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अगर यहाँ पर आज कुछ इनोवेशन है और हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो नो डाउट वी लिंक्स मार्केटिंग का इसमें बहुत बड़ा काम है। तो ख्वाजा साहब थोड़ा सा बताइए पहले अपनी जर्नी के बारे में कि ख्वाजा मुबशर साहब ने कहाँ से ये जर्नी शुरू की, और आज जिस मुकाम पर आप हैं उससे आगे सफ़र कहाँ तक जाएगा, प्लीज़। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो शायद भाई आपके आने का यहाँ पे, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे इस ये ऑनर दिया कि आप मेरी 8 साल की जो आपकी दोस्ती है, रफाकत है, तो आपने ये रियलाइज़ किया कि भाई मैं एक अचीवमेंट मैंने की है ज़िंदगी में, और आपने उसको आज जो है ना वो रिकॉग्नाइज कर लिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल अगेन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि और अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, मेरे वालदैन का बड़ा इसमें दुआएं हैं, और मेरे सफ़र के अंदर उनका बहुत रोल है अल्लाह ताला के बाद। तो सबसे पहले तो उनका थैंक्स, अल्लाह का थैंक्स, उस पर मेरे वालदैन का, और फिर मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी मिसेज हैं, सबका, कि उन्होंने मुझे चीज़ें दी हैं, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव आए हैं ज़िंदगी में, और बड़े मामला के साथ जो है ना मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और एक स्ट्रगल है, क्योंकि ज़िंदगी में आप एक जगह से स्टार्ट करते हैं, ब्रॉड इन कराची, और कराची से पढ़ाई करके फिर मैं पंजाब आ गया, एंड देन लेटर ऑन फिर
मैंने टेक्सटाइल को ज्वाइन किया और फिर मैं लीवाइज में मेरी लास्ट जॉब थी वाज़ द पीक ऑफ माय कैरियर और वहाँ से फिर कॉर्पोरेट मार्केटिंग को करते हुए मैंने ये रियलाइजेशन हुई कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो कि मैं लोगों की बेहतरी के लिए और इंसानियत की और अल्लाह ताला की मखलूक के लिए कुछ कर सकूँ। तो उसी सिलसिले में फिर मेरी मुलाकात मेरे मेंटोर जो इस वक्त वीलिंग्स जिसमें बेस्ड है वो अंजुम साहब हैं जो कि क्यूलिंग्स के ऑनर हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक ब्रेक थ्रू दिया उसमें। उस ब्रेक थ्रू में वो मैं उनका डायरेक्ट मार्केटिंग बना और वहाँ से फिर मैंने अपने ब्रांड्स का सफर का आगाज किया बेली टाउन लाहौर से, और वो जो जैस्मीन मॉल था उसको मैंने ब्रांड से लाना शुरू किया। तो पहला ब्रांड मैं लीवाइज और फिर हश पपीज गुल अहमद आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने बहुत सारे ब्रांड्स को पहले इंट्रोड्यूस कराया। तो पहले रिकॉग्नाइजेशन जो है वो फिर मलिक रियाज साहब ने ही दी वहाँ पर, और उन्होंने बड़ा लाइक किया इस बात को कि भाई ये कौन है जो ये लेकर आया चीज़ें, और अलहमदिल्ला पाक ने मुझे वहाँ भी इज़्ज़त बख्शी। और इसी इज़्ज़त के सहारे फिर मुझे जैतून न्यू लाहौर सिटी ने जो है वो इज़्ज़त बख्शी और मुझे अपनी आयाज और आयाज साहब ने हायर किया थे जी एम फ्रेंचाइजिंग जे वीज कमर्शल प्रॉपर्टीज़। और अलहमदिल्ला मैं फिर कॉर्पोरेट्स में फुरी तौर पर इन्वॉल्व हो गया 2016 के अंदर। 2016 में मैं गुलबर्ग में बैठा करता था और मेरे बॉस मुझे कहते थे कि आप गुलबर्ग में रह के यहाँ काम करें, और मैं उनसे कहता था कि सर जब तक मैं न्यूक्लियस में नहीं बैठूँ मैं जाके जिस जगह से जाके चीज़ मुझे निकलना है और वहाँ पर जिनको मैंने तामीर करना है और एक ख्वाब है जैसे आपके ख्वाबों का तामीर आप कह रहे हैं, आपका एक प्रोग्राम का नाम है बड़ा अच्छा नाम है, और उसी को ही मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ बैठना शुरू किया 2016 में। और आप ख़ुद भी उस जमाने में मेरे पास आए थे और तकरीबन यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं था और सिर्फ एक ऑफिस था और मैं बैठता था और एक छोटी सी टीम थी जिसमें सिक्योरिटी थी और कोई और नहीं बनता था। तो ये ख्वाब जरूर था कि उस वक्त बिल्कुल जंगल था, ना कोई सड़क थी ना कोई चीज़ थी, बट एक बैकअप था मेरे बॉसेस का याद और एजाज का। मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे एक जो है ब्रेक थ्रू दिया, उन्होंने मुझे बिलीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस बिलीव को कन्वर्ट करना शुरू किया। और मैंने फिर वहाँ से बुनियाद रखी अपने काम की, कॉर्पोरेट मार्केटिंग की, जॉइंट वेंचर्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला ब्रेक थ्रू जो है वो जेएस बैंक को मैं वहाँ लेकर आया। और उसके सेकंड मंथ बाद मैंने जो है वो कॉर्नरस्टोन स्कूल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का प्रोजेक्ट है, इसमें मेरे बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त और अवैस रऊफ साहब जो चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है वो मेरे दोस्त बन गए, उनके वालिद साहब मेरे वालिद बन गए, और उन्होंने मेरी नेक नीयतों को देखते हुए मेरे जो पोटेंशियल को देखते हुए मेरे जो एक मेरे दर्द को देखते हुए कि सोसाइटी को एक अच्छे स्कूल और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है एक बड़ी जगह पे, तो उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने 33 कनाल के ऊपर एक स्कूल जो है प्लान किया। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज माय मतलब बिगेस्ट ब्रेक थ्रू ओवर देयर टू ब्रिंग ए न्यू लाहौर सिटी में जी न्यू लाहौर ओके व्हिच नेम ऑफ स्कूल कॉर्नरस्टोन स्कूल। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त ही मैंने उनको ये जो है वो एक दिया इनिशिएटिव कि मैं अपने बच्चों को भी जो है उस स्कूल में करवाऊंगा, और फिर उसी वक्त मैंने अपने बच्चों को उनके स्कूल में कराया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनका कॉन्फिडेंस मेरे पे डेवलप हो गया और साथ साथ फिर मेरी कंपनी का भी डेवलप हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी इनॉग्रेशन कर दी। और आज वो स्कूल जो है वो माशाल्लाह अपनी जो है वो काम कर रहा है न्यू यूनिवर्सिटी के लिए, अब वो कॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है और उसमें जो है ना किंडरगार्टन स्कूल भी है, दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं। तो ये बड़ा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन अवैस रऊफ साहब का यहाँ पर शुक्रिया अदा करने लगा हूँ कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और उनका एक बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे आगे बढ़ने में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने यहाँ पे मस्जिद को डेवलप किया उनके, और उसके साथ साथ फिर ग्रॉसरी स्टोर्स को मैंने लेकर आया, फिर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट डेवलप किया। फिर मैंने 2018 और 19 के अंदर मैं फ्राई चिक्स को यहाँ पे लेकर आया रेस्टोरेंट को, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट मेहनी साहब है जो उसके ओनर हैं उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। ये सब एक साथ है, साथ चलता गया और लोग इकट्ठे होते गए, और साथ साथ क्योंकि मेरे पास एक और भी डिपार्टमेंट था इसके साथ बिल्डिंग एंड प्लान कंस्ट्रक्शन का, और मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं यहाँ पे अच्छे और बड़े मयारी घर लोग बनाएँ और रहें और लोगों को सहूलियात दी जाएँ। तो उसी सिलसिले में मैंने फिर अपना ज़ाती घर भी यहाँ तामीर किया यहाँ पे, और मैं यहाँ रहता हूँ 5 साल से न्यू यूनिवर्सिटी में रह रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मुझे वो हर फैसिलिटी और हर जो कंफर्ट मिल रहा है जिसके मैं तमन्ना करता था कि मुझे मेरे पास होनी चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल रही क्योंकि मैं खुद यहाँ रहता हूँ और उसको मैंने डेवलप किया। और नो डाउट इसकी जो मैनेजमेंट है न्यू यूनिवर्सिटी की उसने बड़ा मेरा साथ दिया है, और मैं अब भी लोगों को यहाँ मोटिवेट कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि आप यहाँ आएँ अपना घर बनाएँ अपने काम को फरोग दें।
मैंने फिर अपना फर्स्ट कमर्शियल जो है ना वो डिजाइन की, जिसमें हमारे बैठे हैं, इसका नाम है जर्मी टावर और ये 7th फ्लोर बिल्डिंग है और इसकी 72 फीट हाइट की अप्रूवल भी, पहली अप्रूवल न्यू लाहौर सिटी में मैंने ही ली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में सारे हाई राइज बनना शुरू हुए। तो कुछ ब्रेक थ्रूज मेरी न्यू लाहौर सिटी को छोड़ने के बाद 2020 में जब मैंने अपनी कंपनी को बनाया वी लिंक्स मार्केटिंग एंड ब्रांड्स, तो उसके बाद भी मैंने जो जैतून का साथ नहीं छोड़ा और मैंने जैतून को अपना मस्कन ही बनाया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं यहीं से ही अपनी ऑपरेशंस करूं। लोग मुझे बहुत कहते थे कि आप डिफेंस में या लाहौर के किसी और हिस्से में और आपके बिल्कुल बगल में बैरी टाउन लाहौर है, आप वहाँ से अपना काम शुरू करें, आप वहाँ रहें, वहाँ काम करें, वहाँ बिजनेस ज़्यादा होगा। लेकिन मैंने उनसे ये कहता था कि मुझे जैतून से और न्यू लाहौर सिटी से प्यार है और मुझे इस इदारे ने और इस जगह ने इज्जत दी है तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारा सरमाया भी, अपने ज़िंदगी के टाइम भी और अपनी एक्सपर्टीज़ है वो सारी यहाँ लगाई, अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के अल्लाह का बड़ा करम है, आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। अब नई मैनेजमेंट न्यू लॉटरी की आ गई है, उसमें नई बड़ा हिसाब आ गए हैं माशाल्लाह, बड़े एनर्जेटिक हैं, मैं उनसे मिला हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि उनके साथ मिलकर हम एक नया जो है ना वो काम अंजाम दें, लोगों को यहाँ बसाने का, लोगों को बिजनेस देने का, यहाँ रिटेल का, होलसेल का और हर तरह के ऑफिशियल कमर्शलाइजेशन को हमें एडवांस कर सकें, यहाँ का रेजिडेंशियल पॉइंट को बढ़ा सकें, यहाँ की जो रेंटल इनकम्स हैं बढ़ा सकें ताकि ब्रांड्स अट्रैक्ट हों। क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह विद द पास ऑफ टाइम जो मेरा ड्रीम था कि इस सोसाइटी के अंदर जो है वो रिंग रोड का एक कन्वर्जन है जो कि हम समझते थे कि वो आना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है और उसमें करंट गवर्नमेंट का और मियां नवाज शरीफ साहब का जिनकी उनकी ये प्रोजेक्ट है, उनकी चीज़ें हैं, उनकी चीज़ें यहाँ बनना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत फास्टली बन रही हैं और इसकी डायनामिक्स बहुत तेज़ी से चेंज हो जाएंगे। आप जब मुझसे अगली बार इंटरव्यू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको पता चलेगा कि इस इलाके का टोटल डायनामिक चेंज हो गया। दीवाने का ख्वाब ही ना हो, नहीं हकीकत हो, इंशाल्लाह हकीकत होगी और आप देख रहे हैं कि उस हकीकत में रंग भर रहा है और बड़ी तेजी के साथ रिंग रोड का काम। अच्छा भाई साहब, एक अगर हम बात करें माजी की तो एक टेक्सटाइल बैकग्राउंड का लड़का यानी कि देखा जाए तो उसका और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और मार्केटिंग, तो ये कम्बिनेशन कुछ समझ से बाहर है, कैसे ये एक्सीडेंटली सब कुछ हो गया कि आपके यानी कि कोई चांस मिला आपको, किस तरह से ये? जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी, ऐसे कि मैं एक्चुअली जब लीवाइज में काम करता था तो मुझे घरों की इनोवेशन का, अच्छे घरों का शौक था क्योंकि मेरा ताल्लुक क्योंकि एक इंडस्ट्री से था जो कि इंटरनेशनल इंडस्ट्री थी और उसमें कमर्शलाइजेशन और आपको मतलब सेलिंग बाइंग ये सब चीज़ों का बड़ा ताल्लुक रहता था। तो उसकी कनेक्टिविटी में मैं बड़ा इंस्पायर था, डेफिनेटली मैं एक नाम लूँगा यहाँ पर मलिक रियाज साहब का जो कि मेरे बड़े जो है वो मेरे इंस्पिरेशन थे फ्रॉम डे वन और उनको देख के गुरु ऑफ इंस्पिरेशन कह रहे हैं। एग्जैक्टली वो मेरे इंस्पिरेशन थे और मैं मॉल ऑफ लाहौर जाया करता था, वहाँ से मैं उनकी ब्रांड्स की जो वर्किंग थी उस जमाने में 2009-2008 एंड ऑनवर्ड, वहाँ से मैंने वो सारी अपनी वर्किंग बनाना शुरू की, उनको स्टडी करना शुरू किया, मैरिटॉन को स्टडी किया, कंस्ट्रक्शन को स्टडी किया, यहाँ के सारे मैकेनिज्म को स्टडी किया कि कैसे यहाँ की रिहाइश और क्या जो लोगों को मिल रही है और कैसे, और वो बहुत बड़े मतलब मैं समझूँ कि पाकिस्तान में अगर कंस्ट्रक्शन में कोई अगर बहुत ही पायनियर है तो वो मलिक रियाज साहब हैं और मलिक रियाज साहब का एक बहुत बड़ा जो नाम है। और मेरी बड़ी खुशनसीबी की ज़िंदगी में एक मरता मुझे उनसे मिलने का एक्सीडेंटली मौका मिल गया, वो मेरी पर्सनल मुलाकात थी उनके साथ और एट वाज माय ड्रीम ड्रीम कम ट्रू कि मैंने उनको अपने बारे में बताया कि मैंने आपको देख के ही अपना काम शुरू किया, वो बड़े खुश भी हुए। तो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी सादत की बात थी और बाकी उन्होंने मुझे पूछा भी कि आप कुछ और भी बेसिक रिक्वायरमेंट है तो मैंने कहा नहीं जी बस मेरी डेली ख्वाहिश पूरी हो गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट हो रहा है कि नहीं वो मलिक रियाज साहब से, क्योंकि मलिक साहब आजकल वैसे बड़ी कंट्रोवर्शियल यानी कि उनकी चल रही है, हमेशा ही चलती कोई ना कोई डिबेट उनके मुतालिक चलती रहती है और आज मेरे जो यानी कि पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है ख्वाजा मुबशर साहब, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। वाया साहब के क्रेडिट्स में मैं ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत सारे काम हैं और आगे ये सफ़र जारी है। वाया साहब पहली बात तो देखिए ख्वाबों पर यकीन रखते हैं आपके लिए? जी बिल्कुल जी, तो जो ख्वाब देखे थे वो मिल गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर देखिए जब तक आप ख्वाब अच्छे नहीं देखेंगे, प्लान नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, बड़ा सोचेंगे नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे कौम के अंदर सबसे जो हमारी नई जनरेशन आ रही है मैं उसको यही पैगाम देना चाहता हूँ
कि अपने मुल्क को छोड़ने से भागने से बेहतर है कि यहाँ रह के आप फेस करें, अपने ख्वाब बड़े करें, मेहनत करें। मेरे पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं बाहर जा सकता था, बाहर निकल सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने इस चीज़ को प्रेफरेंस दी कि नहीं, अपने मुल्क में रह के जो हम अपने वालदैन के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ हम वफा दे सकते हैं, उसका कोई नेमत बदल नहीं है। और मेरे सामने मेरे बहुत से लोग हैं, लोग गो के वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए होंगे, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग होना कोई मैटर नहीं है, क्रेडिबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ अब मेरे पास है कि मुझे इतने लोग मेरे एम्प्लॉइज करते हैं कि जो मैंने काम किए हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, और फूड इंडस्ट्री में, इसके अलावा हमारे जो मजहबी था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इतनी ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। या मैंने जो कमर्शलाइजेशन पे मैं काम कर रहा हूँ और जो मैं इस वक्त न्यू डायमेंशन पे काम कर रहा हूँ, उसी हवाले से जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैंने अपना एक नया वेंचर जो है ना वो डिज़ाइन किया है न्यूक्लियस पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ये क्या है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, ये न्यूक्लियस पाकिस्तान क्या है और ये क्या आप क्या करने जा रहे हैं, दुनिया में ऐसी क्या चेंजिंग आने जा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल सही। एक्चुअली जैसे मैं थोड़ा सा मेरी जिंदगी के अंदर एक हमेशा से एक बात रही है कि जब बहुत सारे लोग एक तरफ चल रहे होते हैं ना, तो मेरा ख्याल होता है कि उनके पीछे लग के जाना को मुनासिब बात नहीं होती। यही बढ़ जा रहा है जो पाकिस्तान को हमेशा से जो है ना वो गलत खाई में या गलत जगह पे ले जाते हैं। हमें हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में मैंने लीवर्स में काम किया या मैंने किसी और, तो वहाँ से मैंने ये सीखा है कि आप इनोवेटिव हों, आप कुछ बेहतर सोचें उसी जगह बैठ के, आप कोई नई चीज़ सोचें। तो मैंने इस पर बहुत गौर वोस किया है कि अभी जैसे आपने खुद भी फरमाया जब हम बैक बात कर रहे थे कि इस वक्त जो हमारे प्रॉपर्टी के जो हालात हैं वो टूवर्ड्स बहुत वीक हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं, क्यों प्रॉब्लम्स इसलिए इन्फ्लेशन है और जो भी पाकिस्तानी इकॉनमी है वो उस हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए लोग बड़े डिसहार्ट हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जो लोग इस काम में है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो अपने काम छोड़ रहे हैं। तो मैंने इन्हीं प्रॉब्लम्स में हमने मेहनत करके एक नई डायमेंशन को हम चाहते हैं। देखिए हम प्लॉट के ऊपर प्लॉट बेच बेच के हम कितना उसके ऊपर हम काम कर लेंगे, हम हिडन चीज करते रहते हैं। व्हाई नॉट वी कम एंड जॉइन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और कंस्ट्रक्शन भी वो जो इनोवेटिव हो, जो रिलायबल हो, जो फास्ट हो और जो बहुत तेजी से डेवलप हो और जो सेफ हो, लाइफ सेविंग हो, और उसके अंदर जो आपके पैरामीटर्स हैं जिंदगी के गुजारने के, और वो कल को आपको वो चीज़ जो है वो आपकी मलबे में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो ऐसी चीज हो जो अगर 25 साल बाद भी आपको वो दोबारा निकालनी है तो यू कैन आप उसको रोल आउट करें, खोले और चले जाए। तो आप अपने घर को रोल आउट नहीं कर सकते जो कि कन्वेंशनल बनता है। तो फिर मेरी मुलाकात जो है वो मेरे पार्टनर और मेरे हदील अजीज जो मेरे डायरेक्टर हैं उनके साथ हुई है, और वो है अवैस अवैस सिद्दीकी साहब। वो बेसिकली न्यूक्लियस पाकिस्तान के ओनर हैं और वो इन स्टील इंजीनियरिंग के अंदर बड़ा महारत रखते हैं। नौ रोड उनका एक नाम है, बड़ा नाम है, और आज भी वो मेरे अवेलेबल गेस्ट हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो आए हुए हैं। और ये जो मैंने ऑफिस बनाया है ये न्यूक्लियस पाकिस्तान और डीलिंग्स मार्केटिंग का मुश्तर का ऑफिस है। यहाँ से बैठ के अब हम लोगों को ये गाइड करेंगे कि अब आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको हमने कौन सी नई राह देनी है जो कि बहुत आप समझ इनोवेटिव है, बड़ी बड़ी जिस तरह बड़ी तेज़ी के साथ उसने हम डेवलप होना है। यूरोप और अमेरिका के अंदर तो डेवलपमेंट इसी बात में हो रही है, लेकिन हम लोग हमेशा आपको पता है 100 साल 50 साल बाद सोच के निकलते हैं। हम अपनी कन्वेंशनल चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जब तक वो चीज़ें चल रही हैं हम उनको बस उनको पकड़े रहें। नहीं, हमारी बेहतरी इसी में है कि हम जल्द अज जल्द जो है ना वो आ जाए। मैं शॉर्टली आपको बताऊँगा कि इसका सबसे बड़ा विजन यह है कि जब भी कोई आप प्लानिंग करें, जो हमने सीखा है वो ये है कि 50 से 100 साल को आप देखें। जैसे आपने कहा कि ख्वाब क्या होते हैं, ख्वाब यही होते हैं कि आप अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए आप सोचें कि अगले 50 साल बाद क्या है। जैसे कि आपके सामने आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनमें जो है अर्थक्वेक की जो है ना वो प्रेडिक्शंस हैं, विद इन 50 ईयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल्ट लाइन के पास है। अब हमने अपनी कंस्ट्रक्शन को भी वैसे ही डिज़ाइन करना है। 2005 में जो जलजला आया था या 6 में जलजला आया था उससे 1 लाख बंदा मारा था। उसके बाद हमारे जितने नॉर्थन एरियाज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन का मोड ही चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ कि वहाँ इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ और अब वो सब लोग उस कन्वर्शन पर आ गए। अब हम क्या अभी भी यही वेट करेंगे
लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कि जब तक कि यहाँ खुदा न खास ऐसा कोई वाकया ना हो जाए कि 2-4 लाख इंसान अपनी जिंदगी न खो बैठे, उससे पहले हम अपने आप को अलर्ट करेंगे। तो हमारी प्लानिंग ये है, अब हम लोग अवेयरनेस देने जा रहे हैं कि आप फौरी तौर पर अपनी कन्वर्जन, अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उसको आप स्टील स्ट्रक्चरिंग में लेकर आए। वो अर्थक्विक रेजिस्टेंस भी है, उसमें आपकी हीट एंड कूल भी है, वो फास्ट भी है, विद इन 3-4 मंथ्स और ये क्या है इंडस्ट्री है और इसके क्या वामिल है और किस क्या खासियत है, इसके ऊपर बात होगी अभी। लेकिन वो आपसे नहीं, अवैस सदीकी साहब जो कि इसके करेंगे, लेकिन आज चूंकि मौके का फायदा उठाते हुए हमने जानने की कोशिश करेंगे हम कि जो एक नई इनोवेशन लेकर ये आ रहे हैं ये लोग, यानी कि न्यूक्लियस पाकिस्तान, और जिस तरह की ये कंस्ट्रक्शन का मोड ऑफ स्टाइल लेकर आ रहे हैं वो क्या है, और इतनी क्विकली यानी कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगी और टोटल सिनेरियो जिस तरह से चेंज होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज इस इंडस्ट्री के रूए रवा मैं कहूँगा निकलेस पाकिस्तान के मिस्टर अवैस सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू माई शो सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वैसे जैसे कि ख्वाजा साहब ने भी बताया और मैंने भी थोड़ा सा लोगों को बताने की कोशिश की है, असल में लोगों को अवेयरनेस दी है इस चीज़ की कि ये कौन सी प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी, और ऑलरेडी आपने जो प्रोजेक्ट्स कर भी दी है इसके ऊपर, थोड़ा सा डिटेल में तो हम बाद में, थोड़ा सा फर्स्ट बताइएगा नाज़रीन को प्लीज। जी जरूर, जो प्रोडक्ट आपने मेरे से पूछने का कहा, सबसे पहले मैं उससे पहले थोड़ा सा जिक्र करूंगा ख्वाजा साहब का, जिनके साथ मिलकर हम लोग ये कर रहे हैं और बिलिंग्स मार्केटिंग के साथ। बेसिकली प्रोडक्ट जो है हमारी 3-4 किस्म की हैं। हम लोग बेसिकली जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है उससे निकल के कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है, और दुनिया में हो रहा है, हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस बहुत कम है इस चीज़ की, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये मुश्किल जो काम है इसमें ख्वाजा साहब की मदद लें थोड़ी और लोगों को समझाएं। 10-12 साल पहले हमने इसको स्टार्ट किया था, इस तरफ लोगों को लाने की कोशिश की, जिसमें हमें उस वक्त कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे समझें तो इस तरफ आ रहे हैं। नंबर 1 हम स्टील इंजीनियरिंग करते हैं, तो हम स्टील स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो आपके जो प्लाजास बन रहे हैं या कोई मेगा स्ट्रक्चर्स बनते हैं वर्ल्ड वाइड, उन्हें स्टील में डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके अंदर जो आप कह रहे हैं कि जल्दी बनाने का है, कि कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर जाते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और अभी उसकी एक मिसाल ऐसी है जो हम अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें फोर्सेस की तरफ से सिर्फ 3 माह का टाइम दिया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 2 महीने पे खड़े हुए हैं और 60 डेज में हम उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम उसकी फिनिशेस की तरफ। सर वो क्या है प्रोजेक्ट, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा। सर ये एक पीएफ का प्रोजेक्ट है, दिस इज पीएफ पाकिस्तान, पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स का। ओके, तो ये पुराना एयरपोर्ट जो था हमारा लाहौर का, उस पे उन्होंने नेस्टेप के नाम से उन्होंने बना रहे हैं, उससे पहले कामरा में, इस्लामाबाद में, कराची में ऑलरेडी काम हो रहा है इसके ऊपर। ये बेसिकली जो है नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं, तो हमने इसमें ये चैलेंज कबूल किया था और आज हम बना रहे हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये कि ये ना सिर्फ स्टील है, हम इसकी स्लैब्स, इसकी वॉल्स जो है वो स्टायरोफोम में बना रहे हैं, जो नॉर्मली यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। और वैसे अगर आप देखें तो यूरोप में, मिडिल ईस्ट में इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। स्टायरोफोम में अगर आप कहें तो बहुत सारे घर बनते हैं, यहाँ पे हमने इस्लामाबाद में काफी सारे घर बनाए हैं, लाहौर में कोई छोटे प्रोजेक्ट थे, लेकिन ये जो मैं आपको नेस्टेप का बता रहा हूँ एक बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा जो होने जा रहा है, तो इस तरफ लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एनर्जी एफिशिएंट है। मैं अगर आपको स्टायरोफोम के घर का बताऊं, हम वैसे इसको स्किप का नाम देते हैं, स्किप 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 स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट
इंटीग्रेटेड पैनल, ये हमने इसका टेक्निकल नेम जो इस प्रोडक्ट को दिया अपने। इसमें हमारे पास बहुत सारे फायदे हैं, तो हम क्विकली बना लेते हैं इसको, जो घर आपने 10 माह में बनाना है वो यहाँ पे आपका 3 माह में फिनिश हो जाता है, ठीक है। फिर एनर्जी एफिशिएंट है, जहाँ आपने इसके इंसुलेटेड वैल्यूज की क्योंकि ज्यादा है, तो जहाँ आपके कोई 10 टन एसी लगने हैं तो आप कह रहे हैं कि इसके साथ आपके 6 टन एसी लग जाएंगे। फिर डेफिनेटली उसकी जो एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी, वो भी बड़ी बेहतर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो हम लेके आ रहे हैं, और एंड सेफ एंड साउंड, यानी कि पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में रहते हुए लोग एक्सेप्ट कर लेंगे सर इसके चेंज को, थोड़ा सा मुश्किल होता है यहां पर। ट्रेडिशनली जो चीजें हैं वो लोगों को उसी की यानी कि यूज्ड टू होते हैं, किसी इंडस्ट्री में भी चले जाएगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैं, मेरा अपना डबल स्टोरी घर है, हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बहुत सारे डिलीवर किए हैं। तो मैंने जब अपनी मिसेस से पहली दफा कहा कि यार हम थर्ड फ्लोर एक कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके अंदर, तो मेरी मिसेस ने वही कन्वेंशनल तरीके से कहा कि ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो लोगों के दिमाग में एक चीज होती है, हालांकि अगर आप देखें उसकी वॉल और एक कन्वेंशनल ब्रिक वॉल अगर बन गई है, तो कन्वेंशनल वॉल को आप दो हैमर्स करें तो वो बाहर आ जाती है ईंट, इसमें बहुत मुश्किल होता है, आपको कटर चलाने पड़ते हैं, हिटरी ड्रिल्स चलानी पड़ती है, फिर ये सो इट इज वेरी वेरी रिजिड और बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। सर इसके ऊपर मजीद यानी कि कंस्ट्रक्शन हो सकती है यदि बिल्कुल हो सके, और इसी तरह नीचे को डेप्थ में भी हम जाए तो डेप्थ में हमारी प्रेफरेंस होती है कि उधर वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो है हमारा स्ट्रक्चर से फाउंडेशंस बने, बेसमेंट बने, और उसके ऊपर आपने जितना स्ट्रक्चर ले जाना है वो जा सकते हैं, और ये अर्थक्वेक सेफ है। जी जी सबसे प्लस पॉइंट ये है, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये सिस्मिक है, इसमें आपको बहुत सारी वो मिल जाती है। हमने बल्कि एक अभी आगे हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो हम नेक्स्ट ईयर शुरू कर रहे हैं जनवरी में, अताबाद लेक पे हुंजा में हम लोग एक 5-स्टार होटल हमने डिजाइन किया है जो कि हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर का भी प्रोजेक्ट, ये प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है जी सारा, और इसमें हमारे एक दोस्त हैं मेजर फुरकान, मैं उनका जिक्र करना जरूर समझूंगा कि उन्होंने इसमें बड़ा कोशिश करके और इसको लेके चले हैं। तो नेक्स्ट जब भी होगा आपको तो उसमें आपको मजीद डिटेल्स उसकी मैं इंशाल्लाह ताला जरूर जरूर जी। ये तो पाकिस्तान के लिए, ये सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का जी, बिल्कुल आप लोग काम करें और बहुत खुशी हुई है। वैसा मजीद इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह आपके अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी, लेकिन ये बाकी जो चीज आप लेकर आ रहे हैं ये पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी डाइजेस्ट करना भी इनके लिए थोड़ा सा जरूरी है। असल में सर ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है इसकी, स्टील इंडस्ट्री बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, बैकबोन फॉर, और बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं बट कंस्ट्रक्शन में ना, यहाँ पे क्लाइंट का समझना असल चीज वो है। हाँ जी, कि क्लाइंट समझ जाए उस चीज को। मैं एक मिसाल दूंगा, मैं और खर्च साहब अभी को हफ्ता पहले किसी से मिले और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरफ आएंगे, मगर उनके साथ उनके साहबजादे थे जो बाहर से पढ़ के आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम इसमें क्यों जाएं, तो जो जवाब या जो कन्विंस मैंने करना था वो उनके बेटे ने किया, उसने कहा क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। तो ये वो चीज़ है क्लाइंट के समझने की, जो वो समझे उसके लिए बेहतर है, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, जरूर आना चाहिए। सर बिल्कुल सेम इसी तरह जब पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस आए तो सोलर इंडस्ट्री अच्छा उसको भी समझते हुए लोगों को बड़ा टाइम लगा, अच्छा उसमें एक इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट था, उस वजह से लोग उसके ऊपर कन्वर्ट हुए। तो इस आग वाले जो प्रोजेक्ट्स में कुछ इस तरह का ऐड ऑन सर्विसेज है लोगों के लिए कि जिस समझ लें कि नहीं यार मैं ट्रेडिशनली जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है उससे हटके इसके ऊपर जाना चाहिए, कोई दो चीजें दो तीन अर्थक्वेक के अलावा कोई यानी कि देखिए अर्थक्वेक के अलावा मैंने आपको जो पहली चीज बताई कि आपका बहुत जल्दी बन ठीक है, आपने जो साल का प्रोजेक्ट है आपने 3 माह में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इंसुलेटेड इस वैल्यू अगर मैं आपको इसकी बताऊं तो जो हमारी ब्रेक अगर आप 67 इंचेस की वॉल बनाते हैं तो हमारी 4 इंच की वॉल के बराबर उसकी इंसुलेशन वैल्यू आती है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है। फिर ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मैंने आपको बताया वो तो ये है, एनर्जी एफिशिएंट हो गया कि जब आप मैंने आपको बताया कि आपने कहां 10 टन एसी लगाना था कहां 6 टन और वो 6 टन भी। मैं आपको एक और मिसाल देता चलूं कि लास्ट ईयर हमें मुसफ बेस पे किसी तरह का प्रोजेक्ट आया और वो हमें 90 डेज का टाइम मिला, हमने 70 डेज में कंप्लीट किया, और उसकी जो सबसे ज्यादा हमें अप्रिसिएशन मिली उसमें वो एक तो टाइम की तो थी, दूसरा ये था कि जो HVAC कंसल्टेंट ने उसमें
100 टन एसी रिकमेंड किया था, हमने 65 किया था, और आज भी 65 टन एसी ऑन नहीं होते अंदर, ये इतनी अच्छी वैल्यूज हमें मिल जाती हैं इसके अंदर। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है इंशाल्लाह, और आने वाले टाइम में और ज्यादा जरूरत बनती जाएगी। असल चीज वही लोगों को अवेयर करना, जब लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी डेफिनेटली ये एक नई चीज है, इसके ऊपर लोग स्विच करेंगे इंशाल्लाह। अवैध साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे सफर में जी, और ये सफर आपके साथ भी जारी रहेगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी मुलाकात होगी जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं ख्वाबों से तबीयत तक का ये सिलसिला। साहब अमूमन यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन का हमारा या डेवलपमेंट की ये जो फील्ड है हमारी रियल स्टेट सेक्टर के, तो इसमें कुछ अच्छा लोगों में मैसेज नहीं जाता, लोगों के साथ कुछ ज्यादतियाँ भी हुई हैं माजी में, लेकिन मैंने देखा बहुत कम लोगों में से एक आपका दायरा ऐसा है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ लोगों को कहा है दिया भी है, एग्जीक्यूट भी किया, ये आपकी नेक नामी है। वैसे ख्वाबों का तो सफर जारी है ही है, अब आगे कौन से ख्वाब है ये न्यूक्लियस पाकिस्तान के अलावा और क्या करना चाह रहे हैं आप? जी सर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को ना फास्ट ट्रैक पे रहते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों की, ह्यूमन रिसोर्सेज भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपर्टीज नहीं, दे डोंट नो कि कैसे हैंडल करना है चीजों को। तो जितनी स्पीडली आप घर डिलीवर कर देंगे और उसका पेमेंट प्लान भी उनकी देती के साथ जो है ना वो डिलीवर हो जाएगा, और मेरा ज़ाती ख्याल ये कि इसमें सोसाइटीज को थोड़ा सा जो है ना वो इनिशिएटिव देना चाहिए कि वो स्पीडली घर बना के लोगों को उसमें मौका दें कि वो अपनी किस्तों के साथ जो है ना उसमें वो रह सकें, 50% पे करें और बाकी जो अदा करते रहें उसमें बैठ के, ये लोगों के लिए बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ मॉर्गेज सिस्टम नहीं है, हमारे बैंकिंग इतनी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इजी भी नहीं है, और इजी भी नहीं है, इंसान तो जा नहीं सकता। आई हैव ट्राइड लेवल बेस्ट टू ब्रिंग बैंक्स इन दिस एरिया बट इट्स नॉट पॉसिबल, और एट दैट स्टेज हमें खुद ही फाइनेंशियली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है। डेवलपर खुद कर सकता है, एग्जैक्टली डेवलपर का रोल विल डू एवरीथिंग, और कर भी रही है जी, डेफिनेटली देयर आर सो मेनी डेवलपर्स आर डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब, बट सक्सेसफुली इसमें डेवलपर्स के साथ जो है वो जो हमारे जैसी कंपनीज हैं उनको भी एक रोल प्ले करना पड़ेगा कि वो साथ में मिलकर ये काम करें, और लोगों को भी समझना चाहिए कि वो ऐसे लोगों के साथ जो है ना कम्युनिकेशन करें जो उनको सही और राइट चॉइस पे ना बताएं, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर सोशल मीडिया इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती हैं और लोग उसमें जो है ना फंस जाते हैं, स्कैम्स हैं बहुत सारा है, ये भी है सबसे पहले आई नो लोगों को चाहिए देखें और उसके बाद अदरवाइज वो फिर बहुत मुश्किल होता है, वो फिर छत एक बार बनती है बार नहीं बनती। तो इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एलडी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ में करें, पोजेशन एरियाज में कोशिश करें, मैं टिप्स बताने लगा हूँ, ज़्यादातर कोशिश करें कि फाइल बेस्ड सिस्टम में वो ना जाएं, क्योंकि फाइल्स का जो सिस्टम होता है वो बेसिकली उसके अंदर लॉन्ग प्लानिंग होती है, और आफ्टर सम टाइम जो है वो प्लानिंग सोसाइटीज का हैंडल नहीं होती, और बाद में वो चीज़ें जो है ना वो डिटेल हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर वो चीज़ें अटक जाती हैं, फिर वो लोग जो है ना इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी सेविंग्स को कोशिश करें कि अपने कंट्रोल में रखें, अपनी सेविंग्स को रख के कंट्रोल में, और फिर उनको आप पोजेशन एरियाज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, और वहाँ से आप या फिर पोजेशन हुए एरियाज की जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट मिल रही है वो आपने उसको अवेल करना, प्लॉट मिले आपको डायरेक्टली फिजिकली अवेलेबल। तो सर न्यू रोशनी जैतून का जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर बात हम करने लाजमी, ये टोटल आप समझते हैं कि सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी ने किसी इन्वेस्टमेंट करनी हो यानी कि व्हीलिंग मार्केटिंग के थ्रू, तो ये सेफ एंड जी एग्जैक्टली जनाब, जो इसके सारे ब्लॉक्स हैं जो प्रूफ ब्लॉक्स हैं जिसमें पोजेशन एरियाज हैं जी सारी चीज़ें, उनमें आप बाइंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं, किसी भी खरीद के घर बना सकते हैं, कमर्शियल बना सकते हैं। मैं तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा कहूँगा कि कमर्शियल यहाँ पे बहुत ही मुनासिब कीमत में अवेलेबल है, स्टिल वेरी गुड। अब आप अंदाजा करेंगे 3 करोड़ के अंदर 5.3 का कमर्शियल अवेलेबल जो पूरे कमर्शियल के अंदर कहीं भी नहीं है, और सारी फैसिलिटी के साथ, मतलब एलडी अप्रूव्ड है, 50 फीट पार्किंग है, 200 फीट मेन बुलेवार्ड है, सो इन चीज़ों के साथ, और जो कनेक्टेड विद द मेन कैनाल रोड, कनेक्टेड विद द बैरिटोन मोहॉल, नहीं इट्स नॉट कनेक्टेड, इट्स नॉट कनेक्टेड। नाउ इसमें ने अभी बताया कि इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड होने वाला है, इसमें हम रिंग रोड का बार बार जिक्र कर रहा हूँ जो कि इसकी लाइफ लाइन है इस प्रोजेक्ट की, टोटल और वो इसको बहुत ऊपर ले जाएगा। तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो एक बहुत बड़ा, मैं लोगों को समझाता हूँ कि आप अपनी
सेविंग्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने रेजिडेंशियल फॉर्मेट को और अपने कमर्शियल फॉर्मेट को आप एक ही फॉर्मेट में ला सकते हैं। अगर आपके पास कुछ अमाउंट है तो आप अपनी ऊपर की जो दो स्टोरीज हैं आप उसमें अपनी रिहाइश रखें, नीचे और नीचे आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटी रखें और वो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी भी डिजाइन हो जाएगी और प्रॉपर्टी भी अटैच होती रहेगी और आपका घर और आपकी रिहाइश की वह घर रहेंगे। तो मेरा ख्याल से ये सोचने का वक्त ये आ गया कि आप जगह जगह और बड़ी बड़ी जगहों से और बड़े बड़े घरों से निकल कर आप स्मार्ट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आए जो कल को मुल्क को कौम के लिए और आपके लिए भी जो है ना वो फायदा दे सकते। आखिर पे कोई पैगाम एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से, आप वैसे तो आपका ये जो लास्ट सेगमेंट है ये मैसेज ही था, लेकिन आप बतौर यानी कि पाकिस्तानी अगर कोई मैसेज देना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खास खिदमत है। मैं सर स्पेशली थोड़ा बहुत जो है लिखता भी हूँ सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे और मैं लोगों को ये अवेयर करता रहता हूँ। मेरी जो इस वक्त टारगेट ऑडियंस है वो नौजवान नस्ल है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी जो नस्ल है जो इस वक्त हमारे पीछे आ रही है, हमने उसको कुछ लेगेसी देके जानी है और हमने थोड़े अरसे बाद जो है ना इस जगह को छोड़ देना है और उन्हें आना है, तो हमने कुछ ऐसा करके जाना है कि उनके लिए आसानी हो। तो मैं अपने जो मेरे जो इस वक्त बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो इस वक्त पढ़ने के निकल चुके हैं और वो जो इस सारे हालात को देखते हैं पाकिस्तान के, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बिल्कुल अपने आप को इस फेज़ से निकाल लें कि पाकिस्तान में उनका फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। अगर आप दूसरे मुल्कों की तरफ देखेंगे और अपनी सारी मेहनत जाके उनकी झोली में डाल देंगे तो ये आप अपने मुल्क के साथ अपने अपने आवाम के साथ अपने कौम के साथ ज्यादती करेंगे। और किसी भी प्लेटफॉर्म के पीछे आप ना लगें, किसी बंदे के पीछे ना लगें, आपकी अपनी मंजिल है, आपकी अपनी ताकत है, आपने किसी पॉलिटिकल किसी चीज़ के पीछे नहीं लगना, किसी अपना विजन क्लियर हो, आपका अपना विजन क्लियर होना चाहिए, आपने मेहनत मिल ही जाती है तुम चलो तो सही, मेहनत जरूरी है। और इसमें मेरी रिक्वेस्ट है जो भी गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान में आए सारे इदारे जो है ना वो मिल के काम करेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे जुडिशरी है, चाहे पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल जो है आइडेंटिटीज हैं उन सब का मिल के ही काम, एक कोई भी इंडिविजुअल जो है ना वो मुल्क को नहीं चला सकता। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपके जो है यंग जनरेशन है, आप उन सब के लिए रोल मॉडल क्रिएट करें ताकि उनको कंफर्ट जो है ना वो मिले और जब वो कंफर्टेबल होंगे डेफिनेटली वो ग्रो करेंगे, वो आपकी तरफ देख रहे हैं इंशाल्लाह, हमारी तरफ देख रहे हैं। और अगर हम लड़ते रहेंगे और हम इधर उधर कुछ ऐसी बातें करते रहेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हम उनकी बेहतरी के लिए हम सब मिल लें अपने पाकिस्तान के लिए, यहीं पर काम करें और सब लोग ऑन बोर्ड हो और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाएँ। और आगे बहुत मंजिलें हैं जिनको हमने तय करना है, हमने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया और अब हम अपने बच्चों के साथ, और उसी कैटेगरी में मैं अभी थोड़ा एडिशन करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी जो इस वक्त ए लेवल्स और ओ लेवल्स कर रहे हैं, एक का नाम मेरे बेटे का नाम सफ़ी मुबशर है और एक मेरे बेटे का नाम गुलाम अहमद है, मैंने उन दोनों को ए लेवल्स बिजनेस कराने के बाद हमने साथ ज्वाइन करवाया है यहाँ पर कंपनी में, कि वो भी मेरे साथ इस जर्नी में पढ़ाई के साथ आगे वो भी इसमें शामिल हो ताकि वो एक रोल मॉडल बने। सर ये यही वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जिन्होंने जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी इनका रोल है यकीनन, और यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मैंने भी खुद 18 कंट्रीज का मेरा यानी कि एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन नॉर्थ पाकिस्तान जैसा मुल्क पैराडाइज दुनिया में कहीं नहीं है। असल चीज़ें हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए, इस मुल्क की कदर, ये एक ऐसा हीरा है जिसको यानी कि जितना भी तराशा जाए काम है। मैं थोड़ी सी बात एडिशनली थोड़ा सा आपके इस प्लेटफॉर्म से करना चाहूँगा टू गिव माई सॉलिडरिटी एंड सपोर्ट टू माई पैलेस्टीनियंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विच लॉस्ट देयर लाइव्स 4,000-5,000 किड्स और 25,000 लोग इस दुनिया से चले गए विद इन वन मंथ फॉर नो रीज़न। सो वाई दिस इज द रीज़न दैट मुसलमान जो है वो पीछे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं बता पा रहे हैं कि हम कौन हैं। और हमने इस प्लेटफॉर्म से जैसे आपने भी जिक्र किया कि हमने जो हम कर सकते हैं हमने उनकी थोड़ी सी प्रोडक्ट का बायकॉट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फील करते हैं कि हमने कुछ नहीं तो किया, लेकिन ये दुआ हूँ और मैं अपनी जितने हमारे इदारे हैं
और हमारे जो यंग जनरेशन है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनके लिए दुआ हो रहे हैं और उनके लिए सोचते रहें और उनको लिए उनकी मदद करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस मुश्किल से जल्दी से निकाले। ये नाज़रीन आप देख रहे थे ख्वाजा मुबशर साहब जो कि वी लिंक्स मार्केटिंग के सीईओ हैं और उनकी काविशों को देखा आपने, वो पाकिस्तान के लिए किस तरह के ख्यालात का इजहार किया उन्होंने और उनके ख्वाब जो बचपन में देखते थे ख्वाबों की तबीर भी उनको मिली और आगे ये सफ़र जारी है। इसके साथ शाहिद मियां को इजाज़त दीजिए ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में, इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र हमेशा जारी रहेगा और हम आपके साथ इंडस्ट्री के उन लोगों को मिलवाते रहेंगे जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट शुरू किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं। सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।